नमस्कार, मेरा नाम है भावेश जैन और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कोल्हापुर से महज 65 किलोमीटर दूर गढ़ हिंगलज के बारे में, जहाँ पर रुकने की यानी कि लॉज की सुविधा के बारे में, होटल की सुविधा के बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। होटल के जैसा आपको लग रहा होगा, जी हाँ, एकदम ही फाइव स्टार होटल वाली फीलिंग दे रही है। यहाँ पे 8 रूम है और बाकी के रूम सेकंड फ्लोर पर है, टोटल 12 रूम यहाँ पर है। और बात करूँ गढ़ हिंगलज में इस होटल की, तो मैं अभी रूम नंबर 202 में हूँ और आप देख रहे हैं ये लोगो जो होटल प्रार्थना का है, जिसमें आप ये बीच में देख रहे हैं जो हैंड ये प्रार्थना करते हुए, ये लोगो है। तो लोगो काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है इन्होंने। और रूम के अंदर आते ही मुझे क्या दिख रहा है, 3 बेड का रूम। जी हाँ, 3 बेड का रूम काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली सिंगल पर्सन के लिए ये काफ़ी अच्छा और बड़ा रूम है। रूम के अंदर आने के बाद वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़कियाँ और 2 चेयर, अगर कोई मेहमान या कोई विजिटर गेस्ट आए उनके लिए। एसी भी है, टीवी की सुविधा भी है। टीवी की सुविधा के साथ साथ मुझे एक चीज जो अच्छी लगी है वो ये है कि यहाँ पे रिमोट रखने के लिए एक स्टैंड दिया हुआ है। उसके अलावा कपड़े टंगाने के लिए, कपड़े को रखने के लिए एक एंगर दिया हुआ है और सामने एक आईना है और आईने में आप अपने आप को निहार सकते हैं। सेमी फर्निश्ड किया हुआ है। और बात करूं टॉयलेट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है किसी होटल का टॉयलेट, वो कितना क्लीन और नीट होता है ये देखना है। जो फ्लोरिंग की है वो काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं। छोटे फर्नीचर दिए गए हैं ताकि आप अपना सामान वगैरह कुछ रख सकें। मोबाइल चार्ज करने के लिए स्पेशली स्विचेस दिए गए हैं जो बेड के पास होने चाहिए, वो एकदम सही है। और यहाँ पर 2 स्विच दिए गए हैं, यहाँ पर एक और उस कोने में एक। उसके अलावा एक स्विच यहाँ पर भी है, प्लग पिन, और एक प्लग पिन यहाँ पर भी है। तो टोटल कमरे में 4 प्लग पिन है। और अगर आप 3 या 4 लोग आते हैं एक रूम में तो चारों मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकते हैं, तो इसके लिए बनता है एक थम्स अप। तो गाइस, होटल में जो है आपको कॉन्फ्रेंस हॉल मिल जाता है और कॉन्फ्रेंस हॉल देख लीजिए कितना बड़ा है। कॉन्फ्रेंस हॉल में दूसरी बात यह है कि आपको प्रोजेक्टर भी मिल जाता है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर भाषण वगैरह देना है या कुछ आपको अपनी बात कहनी है तो उसके लिए ये डेस्क भी है, माइक भी है, सब कुछ अवेलेबल आपको मिल जाएगा। होटल के पैसेज की बात करूँ तो देखिए काफ़ी खुला खुला पैसेज है और सीढ़ियाँ जो है वो भी ठीक ठाक बड़ी है, तो आपको ज़्यादा चढ़ने और उतरने में दिक्कत नहीं होगी। और हम अभी आगे बात करेंगे फैसिलिटीज़ की, कि आगे हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं रिगार्डिंग इस होटल में। गाइस, अगर होटल में फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो आपको वाईफाई मिल जाता है, लॉन्ड्री का ऑप्शन भी है, उसके अलावा
साबुन और टॉवल दिया जाएगा चेक इन के टाइम पर। पार्किंग फैसिलिटीज है और गर्म पानी यानी कि हॉट वाटर की बात की जाए तो सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह ही 10 बजे तक आपको हॉट वाटर मिल जाता है। चेकआउट टाइमिंग की बात की जाए तो चेकआउट है दोपहर के 12 बजे। अब बात करते हैं रूम रेंट की। अगर मैं सोलो पर्सन की बात करूं यानी कि सिर्फ आप अकेले हैं और इस होटल में विजिट कर रहे हैं तो मुझे पे करने पड़े हैं महज इतने। हाँ, आप अब जब भी आए तब फेयर की इंक्वायरी करना मत भूलिएगा, रेंट की इंक्वायरी करना मत भूलिएगा। विदाउट रेंट इंक्वायरी कोई भी होटल में आप चेक इन मत कीजिएगा।